हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कोलिजन पे, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये सब चीज़ें देख ली है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास निकालना भी देख लिया है। देन उसके बाद में मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी देख लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा रहता है टॉपिक वो रहता है कोलिजन पे, ठीक है। कोलिजन पे आप लोग देखोगे तो एक क्वेश्चन लगभग कोलिजन पे आ ही जाता है। और अभी जो मैं इक्वेशन सोल्व करने वाला हूँ कोलिजन के लिए, हेड ऑन कोलिजन हम लेंगे, है ना, कि सम्मुख टक्कर लेंगे, उस सम्मुख टक्कर और फिर उसके बाद में ऑब्लिक टक्कर यानी कि सीधे जो टक्कर है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसकी इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन मैं फटाफट बनाऊंगा क्योंकि आपको पहले से पता है इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। मैं सिर्फ कंसेप्ट पर जाऊंगा उसके, है ना, और कुछ इक्वेशन को मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा। देन उसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसका, कोलिजन का, ठीक है। क्या टॉपिक रहेगा? कोलिजन यानी कि टक्कर। ठीक है, किसका टॉपिक है हमारे पास? कोलिजन यानी कि टक्कर वाला जो है हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। टक्कर में आप देखिए कुल मिला के हमारे कंसेप्ट जो है वो दो कंसेप्ट रहेंगे। पहला कंसेप्ट क्या रहता है कि जब टक्कर होती है तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, दो जो बॉडी आपस में टकरा रही है, ठीक है, टकराने के बाद कौन सी कोलिजन हो रहा है वो बाद की बात है। तो जो दो चीजें हमारे पास यहाँ रहती है वो कौन सी रहती है? फर्स्ट जो है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन लो। क्या रहता है? मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है ना, कि क्या है कि जो संवेग है वो हमेशा कोई सी भी टक्कर हो, चाहे इसमें दो तीन टक्कर होगी, इलास्टिक टक्कर होगी, इनइलास्टिक होगी और परफेक्ट इलास्टिक होगी, तो कोई सी भी टक्कर है हर एक टक्कर के अंदर क्या होता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसका मास M1 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास M2 है, और वो क्या करती है, एक दूसरे की ओर मूव करते हैं, कैसे भी मूव कर रही है, वी U1 वेलोसिटी से टक्कर से पहले मूव कर रही है और U2 वेलोसिटी से ये टक्कर के पहले मूव कर रही है। तो क्या होगा कि ये जब टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद जो है इसके मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये V1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये किससे कर रही है, V2 वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, टक्कर के पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, आपको पहले से पता है। तो M1 U1 जो है वो किसके बराबर होगा, प्लस M2 U2 इक्वल टू होगा M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि टक्कर चाहे कोई सी भी हो, टक्कर चाहे कोई सी भी हो, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है, यानी कि संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये चाहे कोई सी भी क्वेश्चन हो आपके पास, कोई सी भी टक्कर हो, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलवेज फॉलो करेगा। पहली चीज समझ आ गई। दूसरा, अब ये टक्कर किस तरह की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा पहला जो केस हम ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन का, ना, किसका ले रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो सम्मुख टक्कर, सॉरी हिंदी में कहेंगे तो सम्मुख टक्कर, है ना। इंग्लिश में क्या हो गया, हेड ऑन कोलिजन, और हिंदी में क्या होगा, सम्मुख टक्कर। सम्मुख टक्कर का मतलब क्या है, ये एक वी में टक्कर की बात कर रहे हैं, इसमें भी हम किसकी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन यानी कि 1D वाली टक्कर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक लीनियर है ना, 1D में लीनियर है ना, क्या है, लीनियर आने की रैखिक जो टक्कर है उसी की बात कर रहे हैं। टकराने के बाद हो सकता है कि अलग अलग डायरेक्शन में जाए, उसके हम बाद में करेंगे ऑब्लिक टक्कर की, ऑब्लिक कोलिजन यानी कि जिसको कहेंगे, यानी कि तिर्यक टक्कर कहेंगे, उसके बाद में इक्वेशन बनाएंगे, पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट क्या हुआ टक्कर के लिए, कि मोमेंटम ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, ये आपको पहले से पता है। अब आते हैं इसके अंदर, एक हमारे पास यहाँ कॉन्स्टेंट बनता है, ठीक है, और उस कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको रेस्टिट्यूशन है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हिंदी में कहेंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक, वो क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है, इससे हम लेते हैं ई से, है ना, और ई का मतलब क्या होता है, ये होता है V2 माइनस V1 विथ माइनस साइन अपॉन U2 माइनस U1, ठीक है, ये होता है क्या, प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसको अगर मैं दूसरे वर्ड में लाऊं, अगर नेगेटिव इसको हटाना चाहूं, तो कई बार इसको कुछ किताबों में कुछ इस तरह से भी लिखा होता है, ठीक है, U1 माइनस U2, ठीक है। तो ये होगी मेरी एक इक्वेशन, कि यहां से मैं डिफाइन कर रहा हूँ दूसरा कंसेप्ट, क्या डिफाइन कर रहा हूँ, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक, और ये होता है ई इक्वल टू V2 माइनस V1, और नीचे कर दीजिए U1 माइनस U2, ठीक है, उल्टा कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या है,
प्रत्यास्थता गुणांक इसका मतलब क्या है, यानी कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझिए। ये डिसाइड करता है कि जो आपकी टक्कर है, जो आपकी कोलिजन है, वो कोलिजन कौन सी है। तीन तरह के कोलिजन हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, तीन तरह के कोलिजन हम लेंगे। फर्स्ट जो कोलिजन होगी हमारी, उसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, है ना। कौन सी होगी? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन हिंदी में कहेंगे तो हो जाएगा प्रत्यास्थ टक्कर। कौन सी? प्रत्यास्थ टक्कर। अब वो प्रत्यास्थ टक्कर कौन सी होगी? तो कंसेप्ट क्या है कि अगर E का मान कितना हो, E का मान अगर 1 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रत्यास्थ टक्कर। कितना होना चाहिए E जो है हमारा, इस E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? E की वैल्यू अगर 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा केस कौन सा है? दूसरा हमारा केस होगा कि अगर E की वैल्यू, ठीक है, अगर इस E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, कितनी है? 0 से 1 के बीच में, है ना। तो दूसरा लिख दूंगा, उसे बोलेंगे इन इलास्टिक, उसे क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन या इंपैक्ट, है ना। तो क्या कहेंगे? अप्रत्यास्थ टक्कर। कब होगी ये? जब E की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में हो। और तीसरा कंसेप्ट क्या होगा? उसे कहेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन इसका मतलब होगा पूर्णतः, हिंदी में कहेंगे तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। क्या कहेंगे? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। और वो कब होगी? जब E इक्वल टू कितना हो? 0 हो। समझ में आ गया? तीन चीजें आप दिमाग में डाल लीजिए। पहले तो क्या है कि मोमेंटम कंजर्वेशन चाहे कोई सी भी टक्कर हो उसमें फॉलो करेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन चाहे कोई सी भी टक्कर हो उसमें फॉलो करेगा। दूसरा हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे प्रत्यास्थ गुणांक जो है वो डिफाइन किया, वो क्या होगा? V2 - V1 / U1 - U2, ठीक है। अब इस E की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी होगी? प्रत्यास्थ टक्कर होगी। तो जब आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि ये इलास्टिक कोलिजन है, प्रत्यास्थ टक्कर है, तो आपको इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली ये गिविन हो गया कि E इक्वल टू कितना है? 1 है, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन जिसके लिए E इक्वल टू 1 नहीं है उसे क्या कहेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कौन सी होती है? जब E बराबर कितना हो? 0 हो। E बराबर कितना हो? 0। और यह कब होता है? जब जब क्या हो, जो टक्कर करने वाले दोनों पिंड हैं, जो टक्कर करने वाली दोनों बॉडी है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? टक्कर के बाद अगर चिपक के साथ में गति करती है तो वो कौन सा केस होगा? ये वाला केस होगा, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस में लिखा आएगा कि जो टक्कर के बाद दोनों पिंड जो है वो चिपक कर साथ में गति करते हैं। तो जब भी चिपक कर साथ में गति करते हैं, यानी कि वो स्टिक होके और साथ में मोशन करेंगे, उस केस का मतलब क्या, वो कौन सी होगी? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगी। और इसके लिए E का कितना होगा? इक्वल टू 0। तो ध्यान क्या रखना है, ये जितने भी कंसेप्ट मैंने लिखा है ये आप लिख लीजिए, और उसमें स्पेशली इसके लिए लिखा हुआ आएगा प्रत्यास्थ, इसके लिए लिखा हुआ नहीं आएगा, इसके लिए ये लिखा आएगा कि टक्कर के बाद दोनों चिपक के मोशन करते हैं, तो इसका मतलब कौन सी है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होगी। या लिख दिया कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कि उस क्वेश्चन में जब हम सोल्व करेंगे तो जब वो गति करेगा टक्कर के बाद में, जब मोशन करेगा, दोनों क्या करेंगे? चिपक के गति करेगा। चिपक के गति करने का मतलब क्या हुआ? दोनों की वेलोसिटी टक्कर के बाद सेम होगी, ठीक है। ये दिमाग में घुसे लेना क्या कि अगर लिखा आता है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है तो इसका मतलब है टक्कर के बाद चिपक के मोशन करेंगे एक साथ, और चिपक के एक साथ मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। उस केस में क्या होगा? उस केस में V1 बराबर किसके होगा? V2 के होगा, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक का कंसेप्ट। चलिए अब मैं आता हूँ एक एक चीज पे कि जो ये वाली टक्कर है हमारी इलास्टिक कोलिजन यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर, इस प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर एक और चीज जो है वो कंजर्व रहती है, उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या देती है? कंजर्व रहती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। जब कौन सी टक्कर होती है? इलास्टिक कोलिजन होती है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई टक्कर नहीं होती है। नॉर्मली नॉर्मली हमारे जो यूनिवर्स है उसमें कोई सी भी ऐसी टक्कर नहीं होती जो क्या हो? इलास्टिक हो। और कोई भी टक्कर ऐसी नहीं होती जो क्या होती? परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक है। जितनी भी टक्कर होती है कौन सी होती है? उनके लिए E का मान 0 से 1 के बीच में ही होता है नॉर्मली, लेकिन हम क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तब हमें दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह की इक्वेशन दी रहेगी, तो उससे हम इसको आगे सोल्व करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। यूनिवर्स में नॉर्मली हर जो होती है कोलिजन वो कौन सी होती है? ये वाली होती है, ठीक है। ये भी हमने को देखने को नहीं मिलती, ये भी देखने को नहीं मिलती, जब क्वेश्चन करते हैं तो मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा है,
क्योंकि एनर्जी का जो लॉस है वो तो होता ही होता है जब टक्कर होती है तो, ठीक है, होती है ना टक्कर, जब आपके चांटा पड़ता है या गर्म गर्म निकलता है ना, हाँ, तो क्या निकले, उष्मा निकली, तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी लॉस होने पे वो उष्मा निकलती है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट, कि हमारे पास अब हम एक एक जो है टक्कर उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लेता हूँ इलास्टिक कोलिजन यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर को लेते हैं, उसके इक्वेशन सोल्व करते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ से। इलास्टिक टक्कर में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होगा, तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा इलास्टिक टक्कर के लिए, थर्ड कंसेप्ट क्या होगा, ये तो सबके लिए ही है, दूसरा क्या होगा थर्ड कंसेप्ट, फोर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, हाफ एम वन u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, जब हम किसकी बात करेंगे, इलास्टिक कोलिजन के, इन इलास्टिक के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, लॉस होती है, उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी, यानी कि कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उसमें क्या होगा, उष्मा का डिसिपेट, उष्मा जो है हीट हीट के रूप में, वो एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, ठीक है। तो मैं अब पहला टॉपिक डाल लेता हूँ हमारा, पहला टॉपिक कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वेशन सोल्व करते हैं, ठीक है। इलास्टिक में भी कौन सी हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है, यानी कि सम्मुख टक्कर है इसके अंदर। सम्मुख टक्कर में क्या होगा, पहले एक मास m1 था, ये मास m2 था, दोनों u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, देन उसके बाद में टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद क्या हुआ, ये m1 v1 से चला गया और m2 जो था वो v2 से चला गया, मैंने मास छोटे कर दिए, ठीक है, मेरे पास जगह थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें कोई मास में चेंजेस नहीं होता, इसको बड़े में कर लेना आप लोग, ठीक है, ये v2 से और ये v1 से मोशन करने लग गए, ठीक है। इसके लिए मुझे इक्वेशन बनानी है, तो जब मुझे इसके लिए इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, तो दो इक्वेशन मेरे पास है, पहली मोमेंटम वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। तो पहले मैं कौन सी लिखता हूँ, ई, ई कितना होगा इसके लिए, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन इसका मतलब ई इक्वल टू कितना होगा, 1, तो जैसे ही मैं इक्वल टू 1 करूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, u2 माइनस v2 माइनस v1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1 माइनस u2, ठीक है, इसको उधर लेके आ गया। तो यहां से अगर मैं देखूं तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v1 इक्वल टू आ जाएगा v2 माइनस, है ना, ये पहले v2 निकाल लेते हैं ना, तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2 इक्वल टू आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है ये वाली मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहां से, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटीज गिवन रहेगी, फाइनल मुझे फाइंड आउट करनी है, तो फाइनल में क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, v1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो यहां से क्या करूँ, इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, जैसे इस इक्वेशन से मैं v2 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो देख लीजिए क्या बनेगी, तो m2 है ना, v2 रखूंगा तो यहाँ u1 माइनस u2 प्लस v1 प्लस का m1 v1 इक्वल टू, इसको उधर लिख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, सोल्व करते हैं, तो m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 प्लस m1 v1, ठीक है, इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अब V1 को एक तरफ को बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो V1 एक तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, यहाँ है u1, ठीक है, और यहाँ क्या है u1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो क्या बना, m1 माइनस m2 और साथ में u1, ठीक है। अब ये है u2, ये है u2, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2m2 u2, ठीक है। तो कुल मिला के v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस का 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1, ठीक है, सॉरी u2, ठीक
ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी मेरे पास V1 की इक्वेशन, किसके लिए, हेड ऑन कोलिजन और कौन सा हो, इलास्टिक कोलिजन हो उसके लिए। ठीक है, क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन यहाँ से V1 की बन जाएगी। अब मुझे V2 चाहिए, तो V2 चाहिए क्या करूंगा, अब यहाँ से क्या करूंगा इस वाली इक्वेशन में कि V1 बराबर रिप्लेस कर देंगे। V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको क्या करें आप, इस वाली इक्वेशन में रख दें, और जब सॉल्व करेंगे तो इधर से निकल जाएगा, इधर से क्या निकल जाएगा आंसर, यहाँ जहाँ 2 है वो 1 कर दो बस आंसर आपका सॉल्व, जहाँ 2 है वहाँ क्या कर दो 1 कर दो। ठीक है, तो अगर V2 निकालूंगा तो V2 क्या हो जाएगा मेरा, तो जहाँ 2 है वहाँ 1 कर दो, तो क्या है M1 माइनस M2 की जगह M2 माइनस A1 कर दो, U1 है तो यहाँ U2 कर दो, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस में, तो चाहे M1 प्लस करो M1 प्लस M2 करो, चाहे M2 प्लस M1 करो एक ही बात है, फिर बीच में प्लस है तो ये प्लस कर दिया। अब यहाँ क्या आ रहा है, यह हो जाएगा 2M1U1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्री से हम देख सकते हैं इक्वेशन, यहाँ क्या आ रहा है M1 माइनस M2, तो वहाँ क्या हो जाएगा M2 माइनस M1, यहाँ आ रहा है U1 तो वहाँ आ जाएगा U2, यहाँ क्या आ रहा है M2 तो वहाँ आ गया M1, यहाँ U2 तो वहाँ U1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल जाएगी, आप करके देख लेना, आपके जो आंसर निकलेगा वो सेम यही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसी इसी चीज को मैं जो क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करता हूँ कि अगर मान लीजिए ये जो कोलिजन है वो कौन सी होती, मैं देखो यहीं से सारी चीजें करके बता रहा हूँ आपको, इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि इनमें मुझे टाइम कम से कम देना है, कंसेप्ट समझाना था, मैंने कंसेप्ट समझा दिए, इक्वेशन सोल्व करना आपका काम है, एक इक्वेशन मैंने सोल्व कर दी, दूसरा बता दिया कैसे निकलेगी, करके देख देना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर यही अगर मान लीजिए इन इलास्टिक कोलिजन होती, कौन सी होती, इन इलास्टिक कोलिजन होती, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता, तो हमारी अगर मैं सेकेंड यहाँ पर लिखता हूँ, सेकेंड है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, तो क्या चेंजेस होता है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में थोड़ा सा मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ जो मेरी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये लास्ट वाला फॉर्मूला में रख देता हूँ, तो जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर एक चीज आ जाती है, कौन सी, ये। ठीक है, तो इससे क्या बनता, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू होती है उसकी, ई की क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती वो 0 और 1 के बीच में होती। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, ई U1 माइनस U2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई एक जो है ना ई जैसे मल्टीप्लाई हुआ, तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ फिर से वही रिप्लेस करता हूँ, किसको, V2 को रिप्लेस करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ई माइनस ई U2 प्लस V1, यही बनेगा। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन को फिर से इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, और जब V1 की वैल्यू निकालेंगे, तो जो चेंजेस होगा वो क्या चेंजेस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये चेंजेस होगा कि जो M2 वाला है वो आपके क्या होगा, E से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां M2 है वो क्या होगा, E से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या जाएगा E, और यहाँ क्या जाएगा आपके पास 2E, बस ये चेंजेस होगा इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, जब आप 2 को रिप्लेस कर रहे हो और V1 निकाल रहे हो, यानी V1 निकाल रहे हो, तो जो M2 है उसको किससे रिप्लेस कर दो, ऊपर वाले को, E से रिप्लेस कर दो, किसको, ऊपर वाले को सिर्फ किससे रिप्लेस करना है, E से रिप्लेस करना है, और ये जो 2 है ना, ये 2 क्या बन जाएगा, 1 प्लस E बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार करके दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सोल्व कर लेते हैं उस इक्वेशन में, मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, एक को सोल्व करते हैं, दूसरा अपन अपने आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक को सोल्व कर देता हूँ मैं इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, तो वहां से देखते हैं, मुझे चाहिए V2 है ना, V2 को रिप्लेस करो, V2 को रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2, V2 की जगह क्या रखोगे वैल्यू, ये वाली, तो ये ई प्लस V1। ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, सोल्व करिए, तो M1 V1 प्लस E है ना, हाँ पहले E लिख देते हैं, E M2 U1 माइनस E M2 U2 प्लस M2 V1 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, V1, तो ये V1 रहा और ये V1 रहा, तो इनको कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 V1। ठीक है, इधर जाओ, तो ये U1 है और ये U1 है। ठीक है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M माइनस E M2। ठीक है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, फिर ये है U2, इधर ये U2, तो ये उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस का U2 कॉमन आएगा, तो एक तो M2 यहाँ से आ जाएगा, अच्छा दोनों कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है,
यहाँ से तो आ जाएगा एम टू यू टू कॉमन, यहाँ से एम टू यू टू लोगों से क्या बन जाएगा, वन प्लस ई एम टू यू टू। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। तो ये वी वन, तो वी वन इक्वल टू कितना हो गया, एम वन माइनस ई एम टू एम वन प्लस एम टू यू वन प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वन प्लस ई एम टू क्या हो जाएगा, वन प्लस ई एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वी टू की वैल्यू चाहिए, तो वी टू की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वी वन निकाल लूंगा। वी वन कितना हो जाएगा मेरा, वी वन हो जाएगा, वो हो जाएगा वी टू, है ना, वी टू माइनस ई यू वन और प्लस में ई यू टू। ठीक है, और ये वैल्यू क्या करूंगा, जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला इक्वेशन है उसमें रखूंगा, सॉल्व करूंगा, तो फिर मैं सीधा यहाँ से लिख दूंगा जो आपका वी टू इस केस में बनेगा इन इलास्टिक में, वो क्या बन जाएगा, जो आपका वन है उसको टू से रिप्लेस कर दीजिए आराम से ऊपर ऊपर, है ना, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, एम टू माइनस ई एम वन यू टू एम वन प्लस एम टू प्लस वन प्लस ई एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, देख लीजिए सिमेट्री से, एम क्या हो जाएगा उसमें, टू इधर वन, तो उधर टू इधर वन, इधर टू है तो इधर वन और इधर वन, इधर वन और इधर वन। ठीक है, नीचे का क्योंकि एम वन प्लस एम टू है तो उसको एम टू प्लस एम वन करेंगे तो भी क्या रहेगा, सेम इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारी जो इन इलास्टिक इक्वेशन होगी, सॉरी मोशन, उसके लिए हमने क्या निकाल ली, इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लो, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन रहेगी और बाकी में इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं रहेगी, तो आप क्या करेंगे, वी वन और वी टू की वैल्यू रखेंगे और क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है, तो लॉस कैसे निकलेगा, लॉस निकलेगा इस जो इनिशियल वाले काइनेटिक एनर्जी है उसमें से फाइनल वाले को क्या कर देंगे, माइनस कैसे करेंगे, यहाँ वी वन और वी टू की वैल्यू रख दीजिए जो हमने निकाली है और सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आपके पास अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्या रहेगा, टिपिकल नहीं है, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान काम है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना, लंबी इक्वेशन जरूर बनेगी, अपने आप आंसर आ जाएगा, वो आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इक्वेशन इतनी लंबी चौड़ी बनती है कि उसका अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। क्वेश्चन आपके अगर आपके आता है तो इलास्टिक इनलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ई पे क्या होता है, इनकी इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन पूछ लेंगे, या कह देंगे एम वन इक्वल टू एम टू है तो इसके लिए इक्वेशन निकालिए, तो आप एम वन इक्वल टू एम टू करके इसकी इक्वेशन सोल्व कर दीजिए। ठीक है, जैसे एम वन इक्वल टू एम टू हो जाएगा मान लीजिए इलास्टिक वाले में, तो ये कंसेप्ट आपके क्या हो जाए, ये वाली इक्वेशन जीरो हो जाएगी, सिर्फ दूसरी इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, वैसे करके आप वो अलग अलग सिचुएशन है वो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा काम क्या था, मेरा काम था इस इक्वेशन को सोल्व करना इलास्टिक के लिए और इन इलास्टिक के लिए। ठीक है, अब मैं इन इलास्टिक के कुछ जो एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, उनको मैंने लेता हूँ, देन उसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं और अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं ना। बाकी क्वेश्चन जो है उसमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है हमने कि जो हमारी इक्वेशन होगी उसे हमें बनानी है, ये फॉर्मूला ऑलवेज लगेगा, ये तब लगेगा जब अपने इलास्टिक इन इलास्टिक इक्वेशन दे रखी, तब इलास्टिक अगर कोलिजन है तो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, तो इन इक्वेशंस को लगा के क्वेश्चन सोल्व करना है और आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कोई कंसेप्ट रहा हो तो। ये जो कई बार क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, क्वेश्चन करते हैं हम इन इलास्टिक वाले का, किसका एग्जांपल है, इन इलास्टिक जो कॉलेज है ना उसका एग्जांपल लेते हैं, इन इलास्टिक का जो है, इलास्टिक वाले तो बड़े सिंपल से होते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक, जिसमें ई भी इंक्लूड होता है ना, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी एच हाइट से, है ना, अर्थ सरफेस है हमारा ये, इस तरह से ये अर्थ सरफेस है, इससे आप क्या करते हैं, एच हाइट से एक बॉल को नीचे गिराते हैं, क्या करते हैं, एक एम मास की बॉल है उसको नीचे गिराते हैं। ठीक है, तो नीचे गिराने पे क्या होता है, यहाँ जो कोलिजन होता है वो कौन सा होता है, इनइलास्टिक होता है ना। अगर आपके पास एक बॉल है सपोज करिए ना, क्रिकेट वाली बॉल जो आप प्लास्टिक की लेते हैं, वो रबड़ वाली लेते हैं, वो उसको आप गिराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से गिराए तो वो नीचे टक्कर लेगी फिर वापस ऊपर आएगी, लेकिन क्या जिस हाइट पे गिराते हैं उतनी हाइट तक आती है क्या, नहीं आती, क्यों, क्योंकि जब टक्कर होती है तो कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो एनर्जी लॉस होती है इसका मतलब कौन सी कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अगर वो कंप्लीट जाके चिपक गई तब तो कौन सी होगी, परफेक्ट वाली, चिपकती नहीं वापस क्या होती है, ऊपर की ओर बाउंस कर जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह से इसका ये बाउंस करेगी, ठीक है, और बाउंस करने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से बाउंस करेगी फिर ये ऊपर जाएगी,
कुछ इस हाइट पे जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर इस हाइट पे जाएगी फिर नीचे आएगी, ठीक है। चौकोर बना देते हैं थोड़ा गोल के बजाय, ये इस तरह से। इस तरह से इनका जो जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये इसमें क्या हो गया, ये हमारी हो गई H1, ठीक है। इसके बाद फिर ये यहाँ से नीचे गिरती है और इसको और कम कर दो, तो ये क्या हो गई H2, ये क्या हो गई H3। हाइट धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब मान लीजिए इलास्ट जो टक्कर का इलास्टिक, इन इलास्टिक कॉन्स्टेंट सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यास्थ का जो अपना गुणांक है वो कितना है, E है, ठीक है। यानी कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, वो E है। उस केस के अंदर मुझे देखना है कि अब नेक्स्ट एच के रेस्पेक्ट में अगर गिविन है हमें, तो H1, H2, H3 ये किस तरह से होगी वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, अब जब ये यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, u इक्वल टू कितनी होती है, 0। इस केस में एक्सेलरेशन कितना होता है, g। हाइट कितनी है यानी दूरी कितनी ले रहा है, h। तो इस केस के अंदर मुझे अगर मान लीजिए ये फाइंड आउट करना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट टकराने से पहले, टकराने से, क्योंकि मुझे क्या चाहिए टक्कर, टक्कर मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो टकराने से पहले मैं वेलोसिटी देखता हूँ, तो वेलोसिटी अगर मान लीजिए यहाँ पे कितनी है, V1 जिसको मैं कहता हूँ, है ना। तो V1 कितनी हो गई, तो इस इक्वेशन में U इक्वल टू 0, V इक्वल टू V1 फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी और एस इक्वल टू एच। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, थर्ड वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। उसके अकॉर्डिंग V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये 0, ये कितना हो गया 2g और h, ठीक है। तो V1 इक्वल टू कितना आ गया, 2g h। तो इसका मतलब अब ये टक्कर होगी, तो टक्कर के जस्ट बाद क्या होगा, जस्ट टक्कर होने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, V1 है, कितनी है V1 है। अच्छा V1 क्या, इसको V मान लेते हैं एक बार, है ना, कितनी मान लेते हैं, V मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं इसको भी। जब ये ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कितनी है, वो V1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट इसको जो टकराने वाली होती है उस समय वेलोसिटी कितनी है, V1 है, ठीक है। उस समय अगर वेलोसिटी V1 है तो टक्कर जैसे ही होती है, तो टक्कर होने के बाद इनिशियली जो हमारे पास, अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं तो E अर्थ के लिए, अर्थ के लिए कितना होगा, 0। E बॉल के लिए वेलोसिटी कितनी होगी, V, ठीक है, सॉरी U, U मतलब प्रारंभिक, E का मतलब अर्थ और V का मतलब बॉल। तो जब ये टकराने वाली होती है बॉल, टकराने से जस्ट पहले जो दो किसके बीच में टकर हो रही है, अर्थ के बीच में और किसके, बॉल के बीच में, तो बॉल की वेलोसिटी कितनी है, v, जो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली जब h ऊंचाई से नीचे गिरती है, ठीक है। अर्थ की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल 0, क्योंकि अर्थ तो वहीं की वहीं है। अब फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, फाइनल में क्या होता है, फाइनल के अंदर देखिए कि अर्थ की वेलोसिटी अब क्या, बॉल के टकराने से गति अर्थ नीचे गति करने लग जाती है, बढ़ती नहीं कर दिया ना, तो उसकी कितनी हुई, 0। लेकिन बॉल की गति कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी V1। V1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है यहाँ से क्या हो गई, लॉस हो गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, E वाला कंसेप्ट लगाता हूँ। E क्या होता है, वो होता है V2 माइनस V1, ठीक है, बटा U1 माइनस U2, ठीक है। वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो E इक्वल टू V2 कितना है ना, V2 मतलब दो एक को मान लीजिए ना, अर्थ वाली है इसको E, अर्थ वाले को 1 मान लीजिए, बॉल वाले को 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यानी कि कितना हुआ, 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय यहाँ से U1, U1 कितना है, V, है ना, माइनस 0। तो कुल मिला के मेरी V1 कितनी हो जाएगी, E, ठीक है, विद माइनस साइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ये जो वेलोसिटी होगी, ये माइनस साइन का मतलब तो क्या है, अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लेता हूँ, किसकी, वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो जब वेक्टर की फॉर्म में ले रहा हूँ, इसका मतलब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि जो वी की वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट किसकी होगी, V1 की होगी, और V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा EV, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा, तो ऊपर जाएगा वेलोसिटी हमारी V1 से, और V1 कितना हो जाएगा, E, और V कितना है, 2g h, ठीक है। पहला केस हो गया। अब जब देखिए, जब ये V1 से ऊपर की ओर जाएगा, तो वापस जब यहाँ आएगा नीचे की ओर, यहाँ जब टकराने वाला होगा सेकंड वाला, है ना, ये क्या है, पहली टक्कर हो गई, जब ये दूसरी टक्कर होगी, तो दूसरी टक्कर होगी तो जस्ट इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी रहेगी, V1। तो जैसे ही V1 रहेगी, तो फिर अगली वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा जिसको मैं V2 कहूंगा, तो V2 कितना हो जाएगा, EV1, क्योंकि देखो हर बार क्या हो रहा है, ये E से मल्टीप्लाई होती रहेगी वेलोसिटी जो है, वो क्या रहेगी, जब टकरा के ऊपर जाएगी तो
तो ठीक है, टकरा कर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, वी टू, वापिस आएगा तो कितनी होगी, वी टू, तो जस्ट वी टू होगी वो कितनी हो जाएगी, ई वी वन, तो कितना हो गया, ई इंटू ई टू जी एच, ठीक है, तो कितना हो गया, ई स्क्वायर रूट टू जी एच। अब थर्ड टक्कर की बात करेंगे, दूसरी थर्ड टक्कर में ऊपर की ओर कितनी जाएगी, वी थ्री से आएगा भी कितनी, वी थ्री से, तो थर्ड टक्कर में कितना हो जाएगा, वी थ्री बराबर ई वी टू, ठीक है, तो कितना हो गया, ई वी टू, वी टू को रख दीजिए तो ई स्क्वायर टू जी एच, तो कुल मिला के क्या हो गया, ई थ्री टू जी एच, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट निकल गया है कि जो वेलोसिटी है आपकी टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ई से मल्टीप्लाई होती जाएगी, किससे मल्टीप्लाई होती जाएगी, ई से मल्टीप्लाई होती जाएगी, कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट में क्या लिख दूं उसके अंदर, वेलोसिटी का, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट होगा वो देखिए, क्या होगा कि पहला क्या है, v, ठीक है, अनुपात v1 अनुपात v2 अनुपात v3, ऐसे चलते जाओ, तो क्या हो जाएगा, रूट टू जी एच, ई रूट टू जी एच, ई स्क्वायर रूट टू जी एच, ई क्यूब रूट टू जी एच, इन सबको क्या करो, कट जाएगा, मान लीजिए ये रूट टू जी एच, रूट टू जी एच, तो क्या हो गया, वन अनुपात ई स्क्वायर अनुपात ई क्यूब, ये वेलोसिटी किस फॉर्म में चलेगी, इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए फर्स्ट कंसेप्ट वेलोसिटी का, किसी को कंफ्यूजन है क्या, नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पूछ सकते हैं हाइट कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं आपसे कि हाइट कितनी होगी, ठीक है, उसके आते हैं। अब आप देखिए, या इसको कह सकते हैं टोटल मिला के अगर लिखूंगा तो वी जो एन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई टू दी पावर एन और वी वन, या कह सकते हैं रूट टू जी एच, ठीक है। वी एन कितना होगा, वी ई टू दी पावर एन रूट टू जी एच जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। एन का मतलब क्या, टक्कर, पहली टक्कर दूसरी टक्कर तीसरी टक्कर, यानी पहली टक्कर के बाद तो एन इक्वल टू वन, दूसरी टक्कर के बाद एन इक्वल टू टू, तीसरी टक्कर के बाद एन इक्वल टू थ्री, इस तरह से क्या होगा, ये चलती जाएगी इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो आएगा हाइट का कंसेप्ट, कि अगर हमें हाइट की बात करूं तो हाइट में क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है, देखते हैं, आप कोशिश करिए, तब तक मैं थोड़ा सा इंक फिलअप कर लेता हूँ, निकाली है ना हमने हाइट जो हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके अंदर हमने निकाली है, तो हाइट के अंदर क्या हो जाएगा वो आप फाइंड आउट करके बताइए, देखिए फटाफट आप कोशिश करिए, मैं तो कर ही दूंगा अभी। ठीक है, अब आते हैं हाइट वाले कंसेप्ट पे, ठीक है, कि मुझे हाइट निकालने की, ये h इसमें कितनी होगी, h ये कितनी वापिस आ रही है, h1 h2 इनमें क्या रिलेशन आपस में होगा, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने क्या रिलेशन बनाया था, वो बनाया था कि v बराबर कितना है, सॉरी v1 बराबर है ना, v1 बराबर कितना है, ev है ना, v1 बराबर कितना है, ev, ठीक है। अब यहां से अगर मैं v1 लिखना चाहूँ तो v1 मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि तो h हाइट तक जा रहा ना ये, ठीक है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 2gh1 बराबर हो जाएगा e रूट में 2gh2, सॉरी ओनली h, क्योंकि ये v क्या होगी, ये v क्या होगी, यहाँ पे जो v आ रही है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला ना अपन ने, क्या निकाला था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, तो क्या निकला कि v इक्वल टू निकला था हमारा 2gh। अगर मैं यही इक्वेशन यहाँ लगा दूँ, किसमें, इस वाली में, तो इस वाली में लगाऊंगा तो क्या होगा, h1 वेलोसिटी से आ रहा है, यहाँ कितनी है v1, तो v1 कितना हो जाएगा, 2gh1 हो जाएगा, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो जैसे ही मैं ये वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली, दोनों तरफ क्या करिए स्क्वायर कर लिए, तो क्या आ जाएगा, 2gh1 इक्वल टू ई टू जी, सॉरी ई स्क्वायर 2gh, 2g से 2g कैंसिल, तो h1 इक्वल टू कितना आ गया, ई स्क्वायर एच, ठीक है, क्या आ गया, यानी कि हाइट जो है वो किससे होगी, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। अब नेक्स्ट अगर मैं a2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई स्क्वायर h1, और यहाँ वैल्यू रखूंगा h1 की, तो ई स्क्वायर एच, तो कुल मिला के क्या आ गया, ई टू दी पावर 4h। अगर h3 निकालना है यानी कि थर्ड वाले में, तो क्या करना पड़ेगा, ई स्क्वायर h2, और h2 कितना, ये तो क्या हो गया, ई स्क्वायर आगे 4h, तो कुल मिला के ई टू दी पावर 6 और h, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सेकंड कंसेप्ट निकालता हूँ किसका, h डॉट
एच वन डॉट एच टू डॉट इस तरह से, सॉरी डॉट क्या अपना अनुपात, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये हो गया मान लीजिए h, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा e स्क्वायर h, ये अनुपात हो गया e टू द पावर 4h और e टू द पावर 6h, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। h h निकाल दीजिए तो 1 अनुपात e स्क्वायर अनुपात e टू द पावर 4 अनुपात e टू द पावर 6, और अगर मैं टोटल इक्वेशन h n लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2n, ठीक है। ये क्या थी n, ये कितनी हो गई 2n h हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आपको ये और ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं तो आप सिंपल से ये इक्वेशन सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तीसरा क्या पूछ सकते हैं, टाइम का, कि यहां तक आने में जो टाइम लगा वो कितना है T1, यहां से यहां तक गिनने में टाइम लगा वो कितना है T2, यहां से यहां तक गिनने में टाइम लगा वो कितना है T3, तो इनका टाइम निकालिए, ठीक है। अब टाइम के लिए फिर से क्या चलेंगे, इसी वाले कंसेप्ट पे चलेंगे, तो चलते हैं। तो टाइम के लिए क्या करें, अभी अभी जस्ट मैंने इक्वेशन निकाली है, कौन सी, की मेरा जो एच वन होता है वो होता है ई स्क्वायर एच के बराबर, ठीक है, किसके बराबर होता है ई स्क्वायर एच के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ इसमें कंसेप्ट कौन सा, कि मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए और एच में रिलेशन। तो टाइम है मेरे पास टी दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, वेलोसिटी यू दिया हुआ है और जी दिया हुआ है यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा इनके अंदर, दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला वो कहता है कि h बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना होता है, और u बराबर कितना है फर्स्ट वाले केस में, u बराबर है 0, तो h बराबर कितना हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब यहां से मैं अगर यही चीज लगा देता हूँ कि h बराबर कितना होगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हाफ जी टी वन स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, हाफ जी टी हाफ जी कैंसिल हो गया, बचा क्या टी वन स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो टी वन के बराबर क्या हो गया ई टी हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसी तरह से टी टू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ई टी वन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये टकरा के जब ऊपर जाएगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, है ना, ये टी वन नहीं सॉरी ये टी वन और ये टी टू और ये T3, है ना, T तो ऑलरेडी इनिशियल टाइम जिसको हम कह रहे हैं जब ये मोशन कर रहा है ऊपर से नीचे उसके, है ना। तो देखो इस T1 में इसमें क्या रिलेशन होगा, ये वाला, तो इस अगले T1 और T2 में क्या होगा कि T2 बराबर E T1 हो जाएगा जो हमने यहाँ निकाला है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया T2 बराबर हो जाएगा E और ये ई टी रखेंगे तो क्या हो गया ई स्क्वायर टी। तो अगला कंसेप्ट क्या बन जाएगा मेरा, अगर यहाँ से देखता हूँ अगला कंसेप्ट जो वेलोसिटी वाला है वही सेम कंसेप्ट जो है वो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा कंसेप्ट करते हैं, तीसरा कंसेप्ट आप लिख लीजिए टाइम का, ये टाइम में क्या रिलेशन होगा इनमें आपस में, तो टाइम में टी अनुपात T1 अनुपात T2 अनुपात T3, तो वो हो गया टी, है ना, अनुपात ई टी अनुपात ई स्क्वायर टी अनुपात ई क्यूब टी, तो क्या हो गया 1 अनुपात ई अनुपात ई स्क्वायर अनुपात ई क्यूब, और इक्वेशन बनाना चाहूँ तो टी एन जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई टू द पावर एन और टी यानी कि इनिशियल जो टाइम लगेगा वो, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। तो कुल मिला के जो है इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको वो करने आने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना, इसीलिए मैंने इसको लिया है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो ये तो मैंने आपको इक्वेशन सोल्व करवा दी है, टाइम आ गया, वेलोसिटी अगर हाइट होगी, इसके अलावा कोई तीसरा उसका बनता नहीं है, ठीक है। अब जो है कुछ क्वेश्चन वगैरह बाकी हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ऑब्लिक जो कोलिजन होता है यानी कि जो तिर्यक टक्कर होती है उस तिर्यक टक्कर को किस तरह से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।